सब्सक्राइब कीजिए श्यामा टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आटा और मैदा दोनों ही एक जैसी चीजें हैं जो हर घर की किचन में पाई जाती हैं। दुनिया में खाने की करीब 90% चीजें आटे और मैदे से बनती हैं। फ्रेंड्स, आपने अपने पेरेंट्स या आसपास के लोगों से ये जरूर सुना होगा कि आटा सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन मैदा सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। मैदे से बनी चीजें खाने से यह मैदा हमारी आंतों में चिपक जाता है और फिर हमें काफी सारे गंभीर रोगों से गुजरना पड़ता है। हालांकि फ्रेंड्स, मैदा खाने से शरीर को तुरंत नुकसान नहीं होता है, जबकि कुछ समय बाद वाकई में इससे शरीर को कई तरह के हानिकारक प्रभाव पहुंचते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने आज तक कभी ये सोचा है कि मैदा भी आटे की तरह ही गेहूं से बनता है, इसके बावजूद यह सेहत के लिए नुकसानदायक क्यों होता है? अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा है फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर आटा सेहत के लिए अच्छा क्यों है और मैदा सेहत के लिए नुकसानदायक क्यों है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, कई लोगों को यह पता ही नहीं होता कि मैदा भी आटे की तरह गेहूं से बनता है, इसके बावजूद आटे को सेहत के लिए बहुत अच्छा और मैदे को सेहत के लिए बहुत बुरा कहा जाता है। ये इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों को बनाने का तरीका बहुत अलग होता है। जब आटा तैयार किया जाता है तो गेहूं की ऊपरी परत को हटाया नहीं जाता है, साथ ही आटे को थोड़ा दरदरा भी पीसा जाता है। ऐसा करने से आटे में फाइबर की मात्रा बरकरार रहती है और इससे आटे में फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन B6 और बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन और मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक जैसे कई मिनरल्स बने रहते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। जबकि फ्रेंड्स, मैदे के साथ ऐसा नहीं होता है। मैदा बनाते वक्त गेहूं की ऊपरी परत को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। इसके साथ ही इस गोल्डन परत के अंदर जो गेहूं का भाग होता है उसे इतना बारीक पीसा जाता है कि उसके सभी पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं और यह सेहत के लिए किसी भूसे से कम नहीं रहता है। फ्रेंड्स, मैदा जितना सफेद और साफ होता है वैसा पिसे हुए गेहूं का रंग नहीं होता है। ज्यादा सफेदी और चमक लाने के लिए गेहूं को पीसने के बाद उसमें हानिकारक केमिकल से ब्लीच किया जाता है, जिसके बाद मैदा तैयार होता है। कैल्शियम परऑक्साइड, क्लोरीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड आदि ऐसे ही ब्लीचिंग एजेंट हैं, जिनका इस्तेमाल मैदे को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। इन केमिकल्स का हमारी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये केमिकल्स मैदे में मिलाया जाता है, इसी के कारण मैदा बहुत चिकना और महीन होता है। साथ ही इसमें डाइट्री फाइबर बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए इसे पचाना आसान नहीं होता है। सही से पाचन न हो पाने के कारण इसका कुछ हिस्सा हमारी आंतों में चिपक जाता है और हमें कई तरह की बीमारियों को झेलना पड़ता है। इसके सेवन से फ्रेंड्स अक्सर कब्ज की समस्या हो जाती है। अगर आप लोगों ने भी इसका सेवन कभी किया है तो आप लोगों को भी कब्ज की शिकायत, एसिडिटी की शिकायत जरूर रही होगी। फ्रेंड्स, मैदे में स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए फ्रेंड्स इसे खाने से मोटापा बढ़ता है। बहुत ज्यादा मैदा खाने से शरीर का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। यही नहीं फ्रेंड्स, इससे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड में ट्राइग्लिसराइड स्तर भी बढ़ता है। इसीलिए अगर आप लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं और आप लोग अपने डाइट में हमेशा मैदे को लेते हैं, तो आप लोग मैदे की चीजों को ना लें, क्योंकि फ्रेंड्स मैदे में भारी मात्रा में ग्लूटेन पाया जाता है, जो खाने को लचीला बनाकर उसको मुलायम टेक्सचर्स देता है और फूड एलर्जी का कारण बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मैदा खाते हैं, मैदा से बनी कोई भी चीजें खाते हैं, तो आप लोग मैदा से बनी चीजें ना खाएं।
फ्रेंड्स, मैदा खाने से हमारा शुगर लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग मैदे का सेवन कर रहे हैं, मैदा से बनी किसी भी चीज का सेवन कर रहे हैं, तो आप लोग आज से ही उन चीजों का सेवन करना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। आप लोग अगर मैदे का सेवन ज्यादा करते हैं या रोजाना अपनी डाइट में मैदे का सेवन करते हैं, तो आप लोगों को काफी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग आज से ही मैदे का सेवन करना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये थी इन्फॉर्मेशन कि क्यों आटा हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है और क्यों मैदा हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।